देखो क्या बोला है, इफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है कौन सा, टू वाई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है माइनस फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस लैम्बडा के कैप, बराबर। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है बेटा, पैरेलल है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी फॉर्मूला क्या थी, ए बी साइन थीटा। पैरेलल वेक्टर है ये दोनों तो एंगल कितना होता है, जीरो, साइन जीरो, जीरो होता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना बेटा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर पैरेलल वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो, ये याद रख लेना एमसीक्यू के लिए। मुझे बोला है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल मतलब बेटा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, चलो ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट टू थ्री माइनस वन, बी वेक्टर माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस लैम्बडा, ठीक है बेटा, प्लस आई कैप, कॉलम रो हाइड कर दो, थ्री इंटू माइनस लैम्बडा माइनस थ्री लैम्बडा माइनस माइनस सिक्स माइनस वन, सिक्स प्लस सिक्स, बराबर। चलो माइनस जे कैप, कॉलम रो हाइड कर दो, टू इंटू माइनस लैम्बडा माइनस टू लैम्बडा माइनस माइनस फोर इंटू माइनस वन तो फोर, प्लस के कैप, कॉलम रो हाइड कर दो, सिक्स माइनस सिक्स इंटू टू माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व, तो ये क्या मिला, माइनस थ्री लैम्बडा माइनस सिक्स आई कैप माइनस, मैं कॉमन ले लूं बेटा यहां पे तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टू लैम्बडा प्लस फोर जे कैप, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो बेटा ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो वेक्टर आना चाहिए। जीरो वेक्टर मतलब जीरो आई कैप जीरो जे कैप एंड जीरो के कैप, तो कंपलसरी बेटा ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, बराबर ना, एक्स कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। चलो इसके पहले जीरो पुट कर दो, माइनस थ्री लैम्बडा माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो माइनस थ्री लैम्बडा इज इक्वल टू सिक्स, तो लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस टू, क्लियर है। अगर अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो लैम्बडा क्या होता, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो निकलता। अगर टू इंटू माइनस फोर माइनस एट माइनस एटीन प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, माइनस एटीन माइनस एट माइनस ट्वेंटी सिक्स सामने लेकर आओ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स। ओ सर आंसर तो अलग अलग मिला, ये लैम्बडा की वैल्यू कब मिली, जब दो वेक्टर अगर अगर पैरेलल है तो, ये लैम्बडा की वैल्यू कब मिली, जब दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ऐसे कोई अगर अननोन वैल्यू दी हो तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सही है।